Hi everyone, this दिस इज़ So तो we are going to टू टॉक अबाउट वन नेशन वन scheme. स्कीम इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स आपने देखे होंगे वन नेशन वन राशन कार्ड सो ऑन उसी तर्ज पे यह है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र इसका क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हो सकते हैं क्या है ये स्कीम भी हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज माई टेलीग्राम चैनल वेरानिका अंडर स्कोर यू यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी एंड क्वेरी नाउ uh, सी जैसे वन नेशन के लिए बोला वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम तो यहाँ पे आर डी एस ओ फर्स्ट बॉडी बना था जिसने स्टैंडर्ड बॉडी को ज्वाइन किया आर डी एस ओ ने इट बिकेम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी इन द कंट्री टू जॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के लिए ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी एक जैसी रहे इंडियन कस्टमर्स के लिए इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इसी तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आई जो काफ़ी सारे स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट की डेली गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया वन नेशन वन कार्ड स्कीम आई जिसमें वन नेशन वन फास्टैग वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड एंड कॉमर्स तो ये सब आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्कीम्स पहले भी आ चुकी हैं फिर गवर्नमेंट वॉज इन प्रोसेस कि हम ई श्रम पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मिक्स कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे वन नेशन वन वोटर लिस्ट के लिए भी बात हुई वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में अब बात हो रही है तो ये अक्टूबर की ही न्यूज़ है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस समय क्या लॉन्च किया एक तो ये स्कीम लॉन्च की वन नेशन वन फर्टिलाइजर मंडे अक्टूबर सेवेंटीन टू इसके साथ साथ तो प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिलीज पीएम किसान फंड्स जिन जिनका बजट आप देख सकते हैं सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ तक है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात की गई है इसको भी लॉन्च किया गया और इनागोरेट किया गया पीएम किसान सम्मान सम्मेलन in 2022 इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सब किया गया उसके बाद एक ई मैगजीन फर्टिलाइजर्स पे उसको लाया गया इसका नाम है इंडियन एज इसको लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा और 600 प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र जो है ये भी इनागोरेट किए गए तो रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं अब वन फर्टिलाइज़र ये इस इस बैग को अच्छे से देखिए ब्रांड नेम ऑफ फर्टिलाइज़र ये अब वन नेशन वन फर्टिलाइज़र में ब्रांड नेम जो होगा वो होगा भारत तो भारत एन इस तरीके से रखा लिखा जाएगा अब जो भी पैकिंग आएगी ब्रांडिंग होगी उस पर भारत लिखा जाएगा क्यों ये मैं आपको बताती हूँ पहले तो देखो आठ करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला पैसा ये किसान सम्मेलन की बात हम कर रहे हैं नाउ लुक एट दिस वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है क्या आखिरकार अब इस स्कीम में जितनी भी भारत में फर्टिलाइजर कंपनीज हैं स्टेट की ट्रेडिंग एंटिटीज़ हैं जो फर्टिलाइजर में डील करती हैं मार्केट करती हैं वो सब एक ब्रांड यूज करेंगे जिसका नाम है भारत ठीक है भारत ब्रांड यूज किया जाएगा फर्टिलाइजर्स के लिए इसी का लोगो यूज किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जान उर्वरक परियोजना ठीक है जान उर्वरक परियोजना अब पीएम बीजेपी सो तो ये इसके अंडर ये काम किया जाएगा सो तो ब्रांडिंग किससे होगी वो समझ लीजिए भारत नाम से होंगी सिंगल ब्रांड नेम रहेगा चाहे वो यूरिया है डी है एम है एन है कुछ भी ब्रांड इस तरीके से ब्रांड यूरिया ब्रांड डी सॉरी भारत यूरिया भारत डी भारत एम भारत एन इस तरीके से इसकी ब्रांडिंग होगी अब जो पूरा स्पेस एक बैग पे रहता है उस पर लोगो होगा जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी स्कीम स्कीम के बारे में दिखाएगा कि किस तरह से सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है यानी प्रधानमंत्री भारतीय जानवरक परियोजना इसको यूज़ किया जाएगा फर्टिलाइज़र बैग्स पे इस स्कीम के अंदर कंपनीज अपना नाम ब्रांड लोगो और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दे सकती हैं लेकिन उनको कितना स्पेस मिलेगा सिर्फ वन थर्ड वन थर्ड स्पेस मिलेगा कंपनी को उन्हीं के बैग्स पे और बाकी के जो टू टू थर्ड स्पेस है वो भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री ये बीजेपी जो योजना है उसका लोगों वहाँ पे शो करना होगा अब इस स्कीम का एम क्या है कि जो भी कंपनीज फर्टिलाइजर्स इंडिया में बेच रही हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे और उनके प्राइजेस भी कंट्रोल्ड रहें अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया देखिए अभी भारत में इंडिया में ट्वेंटी फर्टिलाइजर्स जिसमें इंक्लूसिव ऑफ़ यूरिया यहाँ पे गवर्नमेंट इन सब की सब्सिडी उठाती है और इफ़ेक्टिवली किस प्राइस पे ये मार्केट में बिकेंगे ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है हैवी सब्सिडी दे रही है एमआरपी भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है सब्सिडाइजिंग के साथ साथ कंपनी किस प्राइस पे बेचेंगे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है वेयर दे सेल और कहाँ बेचेंगे और ये सब किस एक्ट के अंडर किया जाता है फर्टिलाइज़र मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 ये जो ऑर्डर है इसके तहत ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है अब जब गवर्नमेंट ही इतना ज़्यादा पैसा फ़र्टिलाइज़र सब्सिडी पे खर्च रही है क्योंकि अब जो नया बिल है अगर आप देखेंगे इसका बिल भी अराउंड टू लाख करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022-23 में इसके लिए रखा गया है इतना ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वही डिसाइड कर रहे हैं प्राइस भी वही डिसाइड कर रहे हैं वेयर एंड व्हेन और इसलिए क्रेडिट भी गवर्नमेंट ही लेना चाहती है ये मैसेज गवर्नमेंट फार्मर्स को देना चाहती है दैट वी आर डूइंग दिस फॉर यू तो इसलिए ये सब किया जा रहा है तो आप समझ गए कि ये वन one... नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है उद्देश्य क्या है अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पी एम के एस के ये एग्री इनपुट जैसे सीड्स फर्टिलाइजर फार्म इम्प्लीमेंट्स ये भी देंगे टेस्टिंग फैसिलिटीज सॉयल सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए भी मिलेंगी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट स्कीम्स की फार्मर्स तक पहुँचाई जाए जाएंगी इस सेंटर का मेन मकसद है कि टू कन्वर्ट मोर देन थ्री पॉइंट थ्री लैक फर्टिलइजर रिटेल शॉप्स इन कंट्री इन टू पी एम किसान समृद्धि केंद्र तो जितने भी फ़र्टिलाइज़र शॉप्स हैं उनको पी एम के एस के में फेस्ड मैनर में ये कन्वर्ट करना चाहते हैं और अवेयरनेस भी फार्मर्स को देने चाहते हैं कि फ़र्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज़ और कैसे किया जाए किस तरीके से वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करें माइक्रो न्यूट्रीनस भी यूज़ करें लेकिन इसका कुछ तो ड्राबैक हो सकता है तो दोनों प्रोजकॉन्स देख लेते हैं क्यों किया जा रहा है ये तो मैंने बता दिया अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि जो फ़र्टिलाइज़र कंपनीज हैं जब गवर्नमेंट पूरा क्रेडिट खुद ही ले लेगी तो ये कंपनी मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगी इस तरह की एक्टिविटीज रोक देंगी क्योंकि उनको तो सिर्फ वन थर्ड स्पेस मिल रही है तो उनको कुछ खास खास फायदा उनको लगेगा कि नहीं हो रहा तो ब्रांडिंग क्यों ही करनी है गवर्नमेंट तो अवेयरनेस दे ही रही है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आपके कम हो जाएंगे इंपोर्टर्स फॉर द गवर्नमेंट कम हो जाएंगे और कंपनी की जो स्ट्रेंथ अल्टीमेटली उसके ब्रांड पे डिपेंड करती है जिसपे जो किसान है सालों से भरोसा करते हैं आप कुछ भी मार्केट में लेना चाहते हैं लेने जाते हैं तो आप ब्रांड के नाम से लेते हैं ना कि इस ब्रांड का ही ऑयल लेंगे तो इसी तरह से फार्मर्स भी इस ही ब्रांड का फर्टिलाइजर यूज करेंगे उनके भी फेवरेट ब्रांड्स हैं सो so करेंटली ये प्रॉब्लम आएगा रिड्यूस हो जाएंगे जो कॉन्ट्रेक्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आपके पास में और फार्मर्स का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा दूसरा कि इन केस ऑफ एनी बैग या कोई बैच ऑफ फर्टिलाइजर्स है जिसमें रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है वो इतना अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है उसमें कोई कमी है कोई मिलावट है कुछ भी है तो ब्लेम कंपनी पे नहीं जाएगा नाउ इट मे बी पास टू द गवर्नमेंट तो अगर गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है तो ब्लेम भी किस पे जाएगा गवर्नमेंट पे जाएगा तो कहीं ये स्कीम गवर्नमेंट को बैकफायर ना कर जाए ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है तो ये दो चीजें हैं जो ड्रॉबैक्स हो सकता सकती हैं बट दैट इज इट बट यू शुड नो हियर वॉट इज अबाउट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ इजी कर सकते हैं के साथ यहां पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ा रहे हैं यूपीएससी के लिए बाकी ट्वेंटी फोर्थ वाला ऑफर ख़त्म हो चुका है बट स्टिल यू कैन यूज़ दिस कोर वीरोस सी फॉर आर कोर्सेज चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हैं आइकॉनिक कोर्स ले रहे हैं सी सैट ले रहे हैं लेटेस्ट बैच हमारा ट्वेंटी सेवन्थ को शुरू हो रहा है उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं बाकी आई होप यू आर कंपीटिंग एंड लर्निंग फिफ्थ थ और थर्टींथ नवंबर को एक हमारा चैम्पियनशिप टेस्ट आई होप यू विल टेक पार्ट इन इट बाकी टेस्ट सीरीज़ में भी खुद सेम कोड वीरोस सी यूज़ करके आप इस टेस्ट सीरीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं एनरोल कर सकते हैं ई एम आई पर हमारे कोर्सेज ले सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है इसमें भी खुद को इनरोल करवा सकते हैं सो दैट इज इट बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे फॉर पी डी एफ एनक्वायरीज थैंक यू सो मच